ये वाली नंबर प्लेट तो गायब है, आगे वाली नंबर प्लेट तो कोई निकाल लेके गया। सो हे गाइस, अब हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। सो गाइस, आपको पता ही होगा कि फुकरा इंसान अभी हॉस्पिटल में है एंड वहाँ पर उनसे मिलने उनके बिग बॉस के फ्रेंड आ रहे हैं। बट आज उनसे मिलने कौन कौन आया है, आइए मैं उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाता हूँ। देखो कौन आया। आप कैसे? दिन एक्सपेक्ट में आऊंगी, बताया था मम्मी ने आप आने वाले हैं। अच्छा, खुश हो मुझे देख के? मैं हैरान थी। अरे वो तो एक गेम थी ना। तो हम कोई दुश्मन थोड़ी ना जो देख के खुश होंगे। सो गाइस, फाइनली कृति मेहरा ने इलविस यादव फैंस को रिप्लाई दे दिया है। आपको पता ही होगा कि कल इलविस यादव जियो सिनेमा पर मन्नू पंजाबी के साथ में लाइव आए थे और वहाँ पर ये चीज क्लियर कर दी थी कि कृति मेहरा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अब दोस्तों, कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि कृति मेहरा इलविस यादव की गर्लफ्रेंड है, तो काफी लोग कृति मेहरा के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते थे कि आप उनकी गर्लफ्रेंड हो और तरह तरह के कमेंट करते थे, जिससे कृति मेहरा भी परेशान होकर उन्होंने अपने रिसेंट ब्लॉग वीडियो में रिप्लाई दी है। चलो मैं उनके वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाता हूँ। मैंने इंटरव्यू में पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे पता कि किसके लिए है। तो मेरे को आके मत बोलो ऐसे, है ना, कि व्यूज और ये और वो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो खुद का चैनल बनाए हुए मुझे 5 साल हो गए और इस इंडस्ट्री में आए हुए, चाहे मैं जिसके भी साथ आई हूँ, 7 साल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी एकदम से उठ के आ गई कहीं से, नहीं, मेहनत करी है, उसका क्रेडिट इतना पहले नहीं मिला था। अभी मुझे नहीं पता, जिस भी रीजन से मिल रहा हो, कोई बात नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, ना मैंने किसी को कुछ बुरा बोला, ना मैंने, बल्कि मैंने अच्छा ही बोला है, बुरा तो कुछ बोला ही नहीं। तो एक बार जब कमेंट सेक्शन में आते ना, थोड़ा सोच के पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब पे सर्च करके कि क्या वीडियो थी, क्या नहीं थी, क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको सोचना और फिर बोलना। कमेंट तो भर दिया आपने, बढ़िया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं UK07 राइडर के बारे में। UK07 राइडर ने अपने रिसेंट ब्लॉग वीडियो में दिखाया कि सुपरा M5 की आगे की जो नंबर प्लेट होती है वो तो किसी ने निकाल लिया है। बट गाइस, उन्होंने एक चीज रिक्वेस्ट की है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आगे वाली नंबर प्लेट तो गायब है, आगे वाली नंबर प्लेट तो कोई निकाल लेके गया। कितने का फटका लगा? फटका तो कमी का लगा, बट नंबर, भाई जिसने नंबर प्लेट निकाली सुपरा की, मुझे एक तो बताओ क्या करोगे उस नंबर प्लेट का। भाई मुझे ना कभी कभी ऐसा फनी सा भी लगता है कुछ इंसिडेंट, मैं लोग नंबर प्लेट उठा के लेके जा रहे हैं। भाई जिसके पास भी नंबर प्लेट हो, प्लीज, मैं पोस्टल एड्रेस मेंशन कर दूंगा अपना डिस्क्रिप्शन में। एक्चुअली वो QR कोड वाली नंबर प्लेट है, हाई सिक्योरिटी दुबई की, मेरे को 700 दिरहम यानी अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपए और देने पड़ेंगे, बिकॉज उस नंबर प्लेट के बिना वो दुबई वापस एंटर नहीं होगी।